एक अच्छी खबर है कि फरवरी में सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं उतने लोग सिनेमा का आनंद ले सकते हैं। 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। दो शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन वहाँ के स्टॉल से खरीद करके ग्राहक थिएटर में खाने की चीज़ें ले जा सकता है। तो ये वैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन जब सिचुएशन अबनॉर्मल हो गई कोविड के कारण, तो सारे बंधन आते गए। ये बंधन अब ख़त्म होने के कगार पर है और इसलिए ये सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी से चलना, ये सिनेमा देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है और लोग इसका निश्चित स्वागत करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आज इसके बारे में का नोटिफिकेशन अभी तुरंत वेबसाइट पर अपलोड होगा। गृह मंत्रालय ने 27 तारीख को इसको मंजूरी दी थी, आज हमने उसके डिटेल प्रोटोकॉल बना के वो किया है घोषणा, उसका संज्ञान लिया है। और जैसे आपको मालूम है, अभी तक ये आईटी कानून के दायरे में था और है, लेकिन अब जो न्यूज़ कंटेंट का पार्ट है, ओटीटी की फिल्में हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले कार्यक्रम हो या डिजिटल न्यूज़पेपर्स हो, ना उनको प्रेस काउंसिल का कानून लगता था, ना उनको केबल टेलीविज़न का कानून लगता था, ना उनको प्रेस काउंसिल के बंधन में वो आते थे, ना सेंसॉर बोर्ड के बंधन में आते थे। तो अब एक सुचारू व्यवस्था जल्दी घोषित होगी कि उनका संचालन कैसे हो, इसके बारे में भी गाइडलाइंस आएगी। तो यही आज मुख्य मुद्दा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।